औरंगाबाद की घटना पर सीएम अशोक गहलोत ने भी संवेदना जताई। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर दुख जाहिर किया। औरंगाबाद की घटना बहुत दुखद, शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदना। दुख की इस घड़ी में भगवान परिजनों को शक्ति प्रदान करे। ट्वीट के जरिए दुख जताया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। और इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए A1 टीवी के वरिष्ठ पत्रकार नीरज मेहरा जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीरज जी, देखिए लॉकडाउन की मार, कोरोना वायरस का कहर और इस बीच रोजगार भी ठप, गरीब मजदूरों को सबसे ज्यादा मार झेलनी पड़ रही है। ऐसे में घर की आस में पैदल रवाना हुए ये मजदूर इस दर्दनाक हादसे का शिकार हो गए। नीरज जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? नीरज जी, देखिए कोरोना वायरस का कहर, लॉकडाउन की आफत, रोजगार के ठप होने के चलते सबसे अधिक मार गरीब मजदूरों को पड़ी है और घर की आस में पैदल ये मजदूर रवाना हुए थे और ऐसे में इस दर्दनाक हादसे का वो शिकार हो गए। हादसे में यहां पर कई लोग घायल हुए। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का भी ऐलान कर दिया गया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में यह दर्दनाक हादसा पेश आया। प्रवासी मजदूरों को मालगाड़ी ने रौंद दिया, घर के आस में पैदल रवाना हुए थे ये मजदूर और इस दर्द का शिकार हो गए। कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है, लॉकडाउन चल रहा है, रोजगार के ठप होने के चलते सबसे अधिक मार इन गरीब मजदूरों को झेलनी पड़ रही है और ऐसे में ये दर्दनाक हादसा। हालांकि मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया है मुआवजे के तौर पर। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में यह दर्दनाक हादसा, प्रवासी मजदूरों को मालगाड़ी ने यहां पर रौंद दिया। नीरज जी एक बार फिर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीरज जी, देखिए कोरोना वायरस का कहर, लॉकडाउन की आफत और ऐसे में जो गरीब मजदूर हैं, रोजगार ठप होने के चलते सबसे ज्यादा मार उनको झेलनी पड़ रही है, ऐसे में घर की आस में पैदल रवाना हुए ये मजदूर इस दर्दनाक हादसे का शिकार हो गए। देखिए मनीषा, इस समय जो मजदूर है उन लोगों में एक तरह से अलग ही तरह का डर बैठ गया है। बिल्कुल, सभी मजदूर चाहे भले ही वो किसी भी प्रदेश में हो, किसी भी शहर में हो, वो तमाम लोग चाहते हैं कि अपने घर जाएं, अपने गांव जाएं और यही कारण है कि सब लोग, यदि किसी सरकार ने व्यवस्था की है तो ठीक है, नहीं की है तो ठीक है, लोग पैदल ही जा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में ये मजदूर भी सब लोग जो रेलवे लाइन थी उसके ट्रैक पे जा रहे थे और रात में जिस तरह से उन्होंने बताया जा रहा कि वहीं पे जो है पटरी पे सो रहे थे और जिसके चलते ये दर्दनाक हादसा हुआ है। ये वाकई में दहलाने वाला है क्योंकि इस तरह के हादसे के कारण जो 16 मजदूरों की मौत हो गई, कई मजदूर घायल हो गए, वाकई में ये सबको सोचने पर मजबूर करता है कि इतना कितना डर इन श्रमिकों में बैठ गया है। क्या वाकई में जो सरकार है, जहां पर वो रह रहे थे, काम कर रहे थे, उन मजदूरों की व्यवस्थाएं करने में विफल रही है? लेकिन जब मजदूरों से बात की जाती है तो उनका एक ही बात कहना होता है कि वे किसी भी हालात में अपने घर जाना चाहते हैं, अपने परिवार के साथ में जाना चाहते हैं, परिवार के साथ रहना चाहते हैं, भले ही परिवार के साथ रहकर वो कोरोना से मरे या वैसे किसी बीमारी से मरे, लेकिन वो अब एक बार तो कम से कम अपने घर जाना चाहते हैं। ये अपने घर जाने की जिद जो है मजदूरों ने जो ठान ली है, यही कारण है कि आप इतने लंबे समय से देख रहे हैं मजदूर लगातार पलायन कर रहे हैं, लगातार पलायन कर रहे हैं और ये जो घटना है वह भी इसी का एक जो है नतीजा है, क्योंकि ये मजदूर भी अपने घर जाना चाहते थे। रात हो गई तो आराम कर रहे थे, उनको पता नहीं था कि जो आराम के लिए जिन पटरियों का सहारा ले रहे हैं, सिरहाना लगा रहे हैं,
वही जो है आराम करने का साधन इनकी जिंदगी का आखिरी बन जाएगा और उनकी मौत हो जाएगी। वाकई में बहुत दर्दनाक मौत है। प्रधानमंत्री से लेकर तमाम नेताओं ने उनकी जो मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। जो मुख्यमंत्री है एमपी के, उन्होंने मजदूरों के परिवारों के लिए मुआवजे की घोषणा भी की है, तमाम बातें की है, लेकिन कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि जो कोरोना का डर है वो उसका वहम लोगों में इतना बैठ गया है कि लोग अब जिस भी प्रदेश के हैं, जिस भी गांव के हैं, जिस भी शहर के हैं, वो अपने गांव जाना चाहते हैं और यही कारण है कि अभी भी लोगों का प्लान जा रहा है और उनके साथ कई तरह की दुर्घटनाएं हो रही है। ये दुर्घटना भी उसी का एक नतीजा है। मनीषा, बिल्कुल नीरज जी, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से लगातार ये दर्दनाक हादसे पेश आ रहे हैं, बहुत चिंता का विषय लगातार ये बनता जा